हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 13 न्यूक्लियाई एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 9। आज का डिस्कशन प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को एक्सपीरियंस ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आपको बेनिफिट यह होगा कि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपके पास ऑटोमेटिक यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन भेजा जाएगा जब जब हम कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13.27। कंसिडर द फिशन ऑफ 238 यूरेनियम 92 बाय फास्ट न्यूट्रॉन्स। इन वन फिशन इवेंट नो न्यूट्रॉन्स आर एमिटेड एंड फाइनल एंड प्रोडक्ट After the beta decay of the primary fragments are 140 Ce 58 and 99 Ru 44. Calculate Q for this fission process. The relevant atomic and particle masses are, ये मासेस आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको क्यू निकालना है, ठीक है, इस फिशन प्रोसेस के लिए क्यू निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। याद रखिए क्यू का वैल्यू जो होता है मास ऑफ द इनिशियल्स माइनस मास ऑफ द फाइनल होता है। तो इसको निकालने के लिए आपको न्यूक्लियर रिएक्शन को सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो न्यूक्लियर रिएक्शन देखिए, ये बड़ा आसान है लिखना। फर्स्ट इनिशियल्स दिया है, कहां से ये स्टार्ट होता है, हो रहा है, यहां से ये स्टार्ट हो रहा है। कैसे स्टार्ट हो रहा है? एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। न्यूट्रॉन टकराती है और इसे क्या बन जाता है, इससे पहला तो 140 Ce 58 बनता है। दूसरा क्या बनता है? दूसरा बनता है 99 Ru और 44 बनता है, ठीक है। अब क्या है, इस 44 और 58 को ऐड कीजिए, कितना आएगा, 12 और 10, 9 और 10, करेक्ट। फोर्टी फोर और 58 को यदि हम ऐड करते हैं, हाँ, तो ये आएगा 102। यहां पे एक मिस्टेक है, ये 98 नहीं है, 92 है, तो ये 92 कर दिया। तो क्या डिफरेंस आ रहा है, ये 92 था, अब एटॉमिक नंबर कितना हो गया, एडिशन ऑफ एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 102, मतलब 10 का इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियर रिएक्शन की लिहाज से इसका मतलब हो गया 10 10 इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज होना, ठीक है। तो हम यहां पे हम एज ए 10 इलेक्ट्रॉन यहां पे लिख दिए, तो ये अब बैलेंस हो गया न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। अब 102 यहां से इसको रब कर देंगे, अब हमें बैलेंस न्यूक्लियर रिएक्शन मिल गया। अब क्या करना है, सिर्फ इस फॉर्मूला में बैठाना है, क्यू का वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, तो बैठाते हैं इसमें। क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, और यहाँ पे सी स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ द इनिशियल्स में इनिशियल्स क्या, ये दो इनिशियल्स हो जाएंगे,
ये हो जाएगा मास ऑफ द इनिशियल्स। फाइनल्स में क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे फाइनल्स मास ऑफ द फाइनल्स। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इस हिसाब से, क्यू इज इक्वल टू ब्रैकेट में मास ऑफ 238 यहां पे। और एक गलती है, हमें ये इसकी वैल्यू यहां लिखनी है, ये सी है ही नहीं, इसको करेक्ट करना है, ये यू है राइट, और 238 है। ठीक है, 238। तो अब 238U92 मास ऑफ द इनिशियल्स प्लस न्यूट्रॉन का मास, तो मास ऑफ द न्यूट्रॉन हम लिखेंगे M1N0। ठीक है, माइनस इसका मास, तो माइनस मास ऑफ 140Se58, फिर माइनस 10 इलेक्ट्रॉन का मास 10 इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, मास ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन एमई, मास को ये इस एम को हटा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मास ऑफ इनिशियल्स माइनस मास ऑफ फाइनल्स। अब इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्क्वायर, ये ऊपर में है। चलिए, अब इसका ये वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, और इसका भी वैल्यू पता है। ये सारे वैल्यूज हम यदि बैठा देते हैं, हाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें कितना मिल जाएगा। अब इनके वैल्यूज के लिए हमने इनका वैल्यूज थोड़ा सा इनडायरेक्टली है, तो वो हम जब सॉल्यूशन समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप उसमें बता देंगे कैसे उसको सॉल्व करना है। तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, इनके वैल्यूज बैठाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में। अब उसके बाद हमारा जो आंसर आता है, फॉर एग्जाम्पल इनको पूरा डायरेक्टली ये सॉल्व नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, जब सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो स्टेप वाइज आपको बता देंगे क्या कैसे क्या करना है, एक्स्ट्रा क्या करना है। तो अभी फिलहाल अल्टीमेटली रिजल्ट इसमें आएगा, इसको फिर हम चेंज करेंगे, यू को हम चेंज करेंगे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उसके लिए हमें 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी और अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट निकल आएगा क्यू का, और वो हो जाएगा कितना, 231.007 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये तो प्रोसेस है, मीन्स ये अल्टीमेट जिस्ट है सम का। ठीक है, अब स्टेप वाइज क्या, ये यहाँ पे मास का एक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इनको, तो ये सब मैं अभी सॉल्यूशन जब स्टेप वाइज सॉल्यूशन बताऊंगा उसमें समझ लीजिए उसको। ठीक है, चलिए इसका स्टेप वाइज सॉल्यूशन के लिए, तो सबसे पहले हम स्टेप वाइज सॉल्यूशन में क्या करते हैं, जो हमें गिवन है उसको अच्छी तरह से हम लिख देते हैं स्टेप वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, इन द फिशन ऑफ 238U92 10 बीटा माइनस पार्टिकल डिके फ्रॉम द पेरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियस से ये इतना 10 बीटा पार्टिकल डिके हो रहा है, ये कैसे पता चला, इन दोनों को हमने ऐड किया और इससे हमने माइनस किया, तो पाया कि ये 102 है, ये 92 है, इसका मतलब हुआ कि 10 बीटा पार्टिकल डिके हो रहा है, जिससे कि हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ गया प्रोडक्ट में। ठीक है, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने न्यूक्लियर रिएक्शन
को लिख लिया। ठीक है, ये सारी चीजें तो दिया हुआ था कि यूरेनियम का एक न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के कारण इसमें फिशन हो रहा है और ये दो प्रोडक्ट इनके बन रहे हैं। और 10 बीटा पार्टिकल जो आया वो कहाँ से आया, इस कंसेप्ट से आया, इन दोनों को ऐड किया एटॉमिक नंबर और उसमें रिएक्टेंट के एटॉमिक नंबर से वो 10 बढ़ चुका था, इसका मतलब 10 बीटा पार्टिकल था। ठीक है, अब मास ऑफ द न्यूक्लियस M1, अब मास ऑफ द न्यूक्लियस यूरेनियम न्यूक्लियस को हमने M1 मान लिया, ठीक है वो इतना है, और मास ऑफ द न्यूक्लियस M2 C के न्यूक्लियस को इतना मान लिया, M2 इज इक्वल टू इतना, M3 इज इक्वल टू इतना और M4 इज इक्वल टू इतना। ठीक है, और M3 क्या है, RU है, और M4 क्या है, न्यूट्रॉन है। ये सब कर लिया, उसके बाद हम ये वैल्यूज यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है, अब Q इज इक्वल टू M' यूरेनियम 238, यूरेनियम 92, 238 U92 प्लस M, तो Q इज इक्वल टू होता क्या, मास ऑफ द इनिशियल्स माइनस मास ऑफ द फाइनल्स। सो मास ऑफ द इनिशियल्स जो रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो सारे इनिशियल्स हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या लिखा हुआ है, यूरेनियम लिखा मीन्स 238U92 और न्यूट्रॉन दैट इज 1N0 ये लिखा हुआ है। तो हमने इन दोनों को प्लस करना है, दैट मीन्स M' 238U92 प्लस M1N0, फिर माइनस करने हैं M' राइट हैंड साइड में जो चीजें लिखी हुई हैं, M' 140 CE 58 माइनस M' 99 RU 44 माइनस 10 ME मल्टीप्लाई बाय C2। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो इसको वेयर M' रिप्रेजेंट्स द कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक मासेस ऑफ द न्यूक्लियर। ठीक है, और M' क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक मासेस है न्यूक्लियर के। यहाँ पे मैं वो बता रहा था ना, यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं तो ये है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक न्यूक्लियस का तो M' इज इक्वल टू क्या होगा, M1 माइनस 92 M0, सॉरी M0 नहीं, ME, क्यों आया, क्योंकि ये हम एटम के नंबर को यहां से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, M1 में से क्यों, वो हम न्यूक्लियर मास लेना चाहते हैं। ठीक है, तो हम एटॉमिक नंबर 92 है, 92 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो M1 माइनस 92 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है को माइनस कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे 130 U यू नहीं है, 130 क्या है, 140 CE 58 है, करेक्ट CE, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, CE और 140 है, ये फिगर्स थोड़ा करेक्ट कर लें, इसको 140 CE 58 हो गया, E इज इक्वल टू M2 माइनस 58 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये समझ में आया, ये हम क्यों कर रहे हैं। M1 में क्या दिया हुआ है, M1 में हमारा M1 क्या है, एटॉमिक मासेस है, यहाँ पे देख लीजिए M1 क्या है, M1 M2 M3 ये क्या दिया हुआ है हमें, मास ऑफ द न्यूक्लियस M1 ऑफ 238 यूरेनियम 92 का ये मास दिया हुआ है। इस मास में क्या इंक्लूडेड है, इस मास में 92 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इंक्लूडेड है, तो अल्टीमेटली हमें बिना इलेक्ट्रॉन वाला मास चाहिए।
ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन वाले मास को इस मास में से माइनस कर रहे हैं। ये मास पूरा कितना है, M1 है, ये मास पूरा M2 है, ये M3 और ये M4 है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस लिख लेते हैं, ठीक है। अब आइए यहां पे, तो हम एक्चुअली एम डैश निकालना चाहते हैं। एन डैश रिप्रेजेंट द एटॉमिक मासेस ऑफ न्यूक्लियस, ये एटॉमिक मास है, एम डैश क्या है, एटॉमिक मासेस है न्यूक्लियस के, ठीक है। अब एटॉमिक मास जब है हमारा एम डैश, एटॉमिक मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, M1 में से, हाँ M1 में से 92 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, 92 इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, तो हमारा पहले वाले का निकल जाएगा एम डैश, दूसरे वाले का मीन 238U92 के लिए एम डैश M1 माइनस 92 Me निकाल करेंगे। एम डैश 140Ce58 के लिए M2 माइनस 58 Me करेंगे, ठीक है, मीन्स 58 इलेक्ट्रॉन, ये जी देखिए 58 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, का मास माइनस कर देंगे। M3 के लिए क्या करेंगे, 44 इलेक्ट्रॉन का मास कर देंगे, M3 माइनस 44 Me मीन्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे। और M4 के लिए M4 तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, 1 न्यूट्रॉन है, तो इसका कुछ नहीं करेंगे। तो अब ये वैल्यूज जो हैं हम इस इक्वेशन में M1 प्लस M2 माइनस M3 ये जो आया था ना, इसमें हम बैठा देंगे, हमने लिखा था ना ये मास ऑफ द इनिशियल्स और मास ऑफ द फाइनल्स, हाँ, तो इसमें हम एम डैश 238U92, उसके बाद एम डैश 140Ce58 और एम डैश 94Ru44 में ये वैल्यूज बैठा दी देंगे, ठीक है। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, कौन से वैल्यूज, ये तीन वैल्यूज, उन जगह पे ये तीन वैल्यूज बैठा देंगे, तो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा। ये इक्वेशन देखिए, तो हमारा इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M4 माइनस M2 माइनस M1, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको इसको सॉल्व कीजिए, ये इसको सॉल्व करने के बाद ये यहाँ पे हमारा M3 आएगा, हाँ, और इसको सॉल्व कीजिए, ये C² है, ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये वैल्यू U में आएगा, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में आएगा, 1U = 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C² होता है, और इसलिए इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन, इस वैल्यू को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 931.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ऑटोमेटिकली ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हेंस क्यू का वैल्यू इतना हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। आज का क्लास समाप्त करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और हमारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन YouTube की तरफ से भेजा जाएगा जब भी कोई वीडियो हमारे तरफ से अपलोड की जाएगी। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो और आपको बोर्ड्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आएँ, इस शुभकामनाओं के साथ हम लोग आज का लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं।
आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्द ही मुलाकात होगी कुछ नए प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, और जहाँ तक हो सके दूसरों को हेल्प करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।